सिंप्लीफाइंग लग्जरियस लाइफ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आप एक विला खुद का खरीदोगे, उस विला में शिफ्ट होगे और एक लग्जरियस सिंप्लीफाइड लाइफ जियोगे। रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के पहले डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक विला खरीदना है तो। ये राइट प्रोजेक्ट है, वसई स्टेशन से हार्डली 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे, बैंग ऑन टारगेट, बैंग ऑन लोकेशन। 25 विलास का टाउनशिप मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लास्ट 4 विलास बाकी है। रेडी पोजिशन 2 BHK अल्ट्रा लग्जरियस विला, क्राफ्टेड टू परफेक्शन। मेरे पीछे का विला अभी सेल के लिए है। ये पूरी टाउनशिप देखिए दोस्तों, सामने पूरे के पूरे आपको विलाज ही दिखेंगे। ये सारे विलाज का पूरा टाउनशिप है, 25 विलाज है, अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट है। और जब मैं आपको विला दिखाऊंगा, वीडियो के एंड में अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आई और वीडियो देखने का सेटिस्फेक्शन नहीं आया दोस्तों, तो प्लीज कमेंट कर देना। और अगर सेटिस्फेक्शन लगता है बेस्ट विला दिखने का, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए दिखाता हूँ पूरा का पूरा विला। यह है आपका ओपन पार्किंग विला में, यहाँ पे आप आपकी व्हीकल पार्क कर सकते हो और पोच आपको सामने ही दिया है। ये पोच से हम विला में अपने एंटर करेंगे। मैं दिखाता हूँ अभी इसका डोर। दोस्तों, ऐसा एक्सटर्नल फिनिशिंग मैंने आज तक कोई विला के लिए नहीं देखा। यह है इसका डोर, हाइट बहुत ज्यादा अच्छी दी है। और ये पूरा का पूरा विला आप देखिए, ये इसका एंट्री पॉइंट रहेगा। फिक्स्चर फिटिंग्स देखिए कितना प्रीमियम है, प्रीमियम फिक्स्चर फिटिंग्स हमें बिठा के दिए हैं यहाँ पे। डोर का फिनिशिंग देखिए दोस्तों, प्रीमियम डोर का फिनिशिंग है, लिटरली लग्जरियस दिखता है। एंट्री ही इतनी जबरदस्त है तो एग्जिट और अंदर का विला कैसे रहेगा, दिखाता हूं आपको पूरा प्रोजेक्ट। जस्ट वाव, लुक एट दिस स्पेस दोस्तों, अमेजिंग इंटीरियर। 2 BHK का विला, इतनी ज्यादा स्पेस मैंने आज तक नहीं देखी, जबरदस्त विला है। इसकी हाइट देखिए आप, पूरा अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो एलिगेंटली डिजाइंड है, VVMC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, OC विलास को ऑलरेडी आ चुका है, रेडी पोजिशन विला है। इटालियन मार्बल फ्लोरिंग पूरा का पूरा सीलिंग हमें करके देंगे। फिक्स्चर फिटिंग्स जो अभी आपको करंटली विला में दिख रहे हैं, पूरे के पूरे फिक्स्चर फिटिंग्स वैसे के वैसे ही होंगे। ये विला का अपना इंटरनल मैं आपको लिविंग रूम अभी दिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों, लिविंग रूम कितना स्पेशियस है। यहाँ पे ये किचन आ जाता है, किचन में हमें 2 प्लेटफॉर्म्स है, प्लेटफॉर्म्स बहुत बड़े हैं, ब्लैक कलर का ग्रेनाइट मार्बल है। मॉड्यूलर किचन पूरा हमें डेवलपर की तरफ से बना के मिलता है। ये मॉड्यूलर किचन है दोस्तों, पूरा के पूरे कैबिनेट्स हमें डेवलपर बना देता है। ब्रांडेड फिक्स्चर फिटिंग्स आपको यहाँ पे आ जाते हैं। और किचन को वेंटिलेशन रखने के लिए यहाँ पे हमें बाहर पोच एरिया है। ये पोच एरिया इतना स्पेशियस है कि आप जब बाहर एंटर करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बड़ी स्पेस किचन के बाहरी एग्जिट में मिल जाती है। ये आपका बाउंड्री होगा बीच में जो दिखाया है वो, और ये आपका बाहर का एक्सटर्नल स्पेस होगा। लिविंग रूम में ही अप्रोक्सीमेटली आपको 300 से लेके 350 स्क्वायर फीट तक का कारपेट एरिया आता है। वेंटिलेटेड हाउस है, वास्तु कंप्लायंट है। ये विंडोज देखिए, फ्रेंच विंडोज बिठाया है, पूरा का पूरा आपको फ्रेंच विंडोज में आप इसकी विजिबिलिटी देखोगे या एयर ही देखोगे तो कितनी बड़ी स्पेस है। ये लिविंग रूम से ही आप जब ऊपर जाते हो तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम मिल जाते हैं। नीचे मैं आपको एक बेडरूम दिखाने वाला हूं अभी, तो आइए देखते हैं पहला मास्टर बेडरूम। फर्स्ट मास्टर बेडरूम कितना स्पेशियस है देखो, अगेन इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, फिक्स्चर फिटिंग सेम, फॉल सीलिंग हमें पूरा बना के मिलता है। विंडोज देखिए दोस्तों, विंडोज की सिर्फ स्पेस देखिए आप, आपको पता चल जाएगा इतनी बड़ी विंडोज, इतना अच्छा वेंटिलेशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। बैंग ऑन टारगेट रोड फ्रंट, एकदम बाहर ही आपको रोड है। और ये 1 BHK, ये जो मास्टर है, ये जो बेडरूम है, ये एक्चुअली मास्टर बेडरूम होगा, तो ये इसका मास्टर बेडरूम। इसका वॉशरूम में सारे के सारे प्रीमियम फिक्स्चर फिटिंग्स बिठाए हैं, एलिगेंटली डिजाइंड है एकदम। लिविंग रूम, किचन और एक बेडरूम हमने देख लिया। अभी मैं दिखाता हूं आपको फर्स्ट फ्लोर का स्टेटस। स्टेयर्स देखिए दोस्तों, हाइट देखिए, मतलब ये देखने के बाद में अगर वाव फीलिंग नहीं आया तो क्या होगा। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही हम आते हैं हमें पहले मिल जाता है पोच एरिया। ये दोस्तों आपका पोच एरिया है, अच्छी खासी सिटिंग है, 4 सिटिंग आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो।
और दो सामने सामने बेडरूम मिल जाते हैं। ये एक बेडरूम है जो मास्टर बेड है, दिखाता हूं आपको। आइए अगेन जो डोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है देखिए, डोर्स क्या क्वालिटी के हैं। ये वन बेड आपको सेकंड बेडरूम में दिखा रहा हूं, मास्टर बेडरूम है अगेन। ये स्पेस भी बहुत अच्छा खासा है, अप्रोक्सीमेटली 140 स्क्वायर फीट का सिर्फ ये बेडरूम होगा। इटालियन मार्बल फ्लोरिंग और पूरा का पूरा फॉल सीलिंग आपको इसमें बना के देते हैं। साइड में हमें यहाँ पे फ्रेंच विंडो आ जाती है, टॉप टू बॉटम तक की ये फ्रेंच विंडो है, तो वेंटिलेशन के लिए आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। कॉमन वॉशरूम दोस्तों, कॉमन वॉशरूम देखिए कितना स्पेशियस है, और इसमें इंटरनल टाइल्स जो लगाई है वो बहुत ही सुपर्ब और क्लासिक है। ब्लैक इंटीरियर दिया है वॉशरूम में, तो बहुत ही सुपर्ब और एक एलिगेंट दिखता है। थर्ड एंड फाइनल बेडरूम, स्पेशियस किड्स बेडरूम, सीनियर सिटीजंस, पेरेंट्स बेडरूम, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगेन इसमें टाइलिंग बहुत अच्छी है, वॉल फिनिशिंग, पीओपी सब कुछ किया है, और मास्टर बेड है। मास्टर बेड होने के बावजूद बहुत ज्यादा स्पेस आपको इसमें मिल जाता है। ये 3 BHK का विला है दोस्तों, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में अभी आपको बताने वाला हूं। तो पूरा विला हमने देख लिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका टेरेस, वाटर टैंक और टेरेस का ओपन स्पेस। फर्स्ट फ्लोर पे मिलता है मिनी टेरेस, गजब, कसम से गजब, इतना जबरदस्त मिनी टेरेस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको मिल जाता है। स्पेस देखिए, इवनिंग में बैठने के लिए, दिन में बैठने के लिए बहुत ही क्लासिक स्पेस है। और इसका इंटीरियर देखिए, रेलिंग सेफ्टी के हिसाब से आपको 4 फुट की हाइट के ऊपर बिठाई है, तो किड्स आपके आराम से यहाँ पे आ पाएंगे। सामने आपको पूरा ग्रीनरी है, क्वाइट एटमोसफियर, बट बैंग ऑन टारगेट, बैंग ऑन लोकेशन। अभी दोस्तों देखते हैं आपका सेकंड फ्लोर का टेरेस। दोस्तों ये है आपका प्राइवेट टेरेस, स्पेस देखिए, अप्रोक्सीमेटली 400 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया सिर्फ टेरेस कवर कर लेता है। छोटा फंक्शन करना है, बर्थडे पार्टी करनी है, कुछ भी करना है टेरेस में आप आराम से कर पाओगे। बाकी के दो बंगलोज में आपको स्पेस ज्यादा मिल जाती है, तो प्राइवेसी आपको ज्यादा है। वाटर टैंक हमें बिठा के देते हैं, 1500 लीटर्स का वाटर टैंक है, 24/7 वाटर सप्लाई है इसमें। घर हो तो ऐसा हो, विला हो तो ऐसा हो, 3 BHK का अल्ट्रा लग्जरियस विला हमने पूरा अभी दिखाया। दोस्तों अगर ये विला आपको चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर जरूर कॉल कीजिएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा, साइट विजिट आपकी करवा दूंगा। ये अल्ट्रा लग्जरियस विला दोस्तों वसई स्टेशन से हार्डली एक 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, काम क्वाइट एटमॉस्फेयर के बीच में, बट सिटी के मिडल में ये विला पड़ता है। आपको बिग बाजार एक 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे, डी मार्ट 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, बैंग ऑन टारगेट। 2080 का इसका स्कीम है, 20% डाउन पेमेंट, 90% लोन, अगर लोन की एलिजिबिलिटी आपकी ज्यादा है तो 90-10 भी दोस्तों इसमें हो सकता है। प्राइस ऑन रिक्वेस्ट, अगर प्राइस आपको जाननी है तो सिर्फ मुझे कॉल कीजिए। ये टोटल विला जो है ये अप्रोक्सीमेटली 2000 स्क्वायर फीट का इसका लैंड बैंक है, 2000 स्क्वायर फीट के लैंड के ऊपर इसे बनाया गया है, और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो 2300 स्क्वायर फीट तक इसका ओवरऑल कंस्ट्रक्शन होगा। 3 BHK अल्ट्रा लग्जरियस विला, VVMC अप्रूव्ड है, इसको OC भी आ गया है, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, सोलर पैनल के साथ में हमें इसमें मिलता है, और सारे बैंक से ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, रेडी पोजीशन विला है दोस्तों। आप इमीडिएटली सामान शिफ्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको लाना है आपका फर्नीचर और आपकी ब्यूटीफुल फैमिली को। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें हमेशा मोटिवेट करता है अच्छे विला टाउनशिप्स, रेसिडेंशियल टाउनशिप्स को आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।